हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेक्षा आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको कलीदार लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले मेजरमेंट ले लेते हैं। तो हमारे पास जो मेजरमेंट है वो इस तरह से है। लेंथ जो हमारे पास है वो 38 इंच है और वेस्ट जो कमर हमारी है वो 30 इंच है। तो मैंने आपको समझाने के लिए एक ग्राफ बनाया है लहंगे का, तो चलिए पहले इसे समझ लेते हैं। मैंने जो लहंगा बनाना है वो 5 कली वाला बनाना है। तो ये देखिए मैंने ये कलियाँ बनाई हैं, तो इस ये 1 2 3 4 5 कली वाला मैं लहंगा बना रही हूँ। तो ये मैं क्या करूँगी, इसमें 5 कली वाले लहंगे में ये देखिए 30 इंच जो मेरी है कमर है, तो मैं इसका हाफ इंच ले लूँगी। तो हाफ इंच जैसे मैं लूँगी, 30 का जो आधा हुआ, 30 में मैं आधा कर लूँगी तो ये 15 इंच आ जाएगा। 15 इंच में मैं क्या करूँगी, ये देखिए मैं डिवाइड करूँगी इसको। अगर 5 से 5 3 जब 15 होते हैं तो 15, तो मैं क्या करूँगी, मेरा बचा जो 3 इंच बचता है। तो ये देखिए अगर मैं कलियाँ बनाती हूँ, 3 3 इंच की कलियाँ बनाती हूँ, तो मेरा 15 इंच पूरा हो जाएगा। ये देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15, तो ये मेरा जो वेस्ट है वो 15 इंच की पूरी आ जाएगी। तो चलिए अब हम कटिंग शुरू कर लेते हैं। लहंगे का जो कपड़ा है मैंने 2 मीटर लिया है और जो लाइनिंग उसके नीचे आएगी वो मैंने 1.5 मीटर लिया है। तो आप जितना खुला लहंगा रखना चाहते हैं आप उसके हिसाब से ले लीजिए कपड़ा। वैसे आप 2.5 मीटर कपड़ा लीजिए, मेरा जो कपड़ा है वो थोड़ा सा कम है और मैं नीचे लाइनिंग थोड़ी सी ज्वाइन करके इसको फोल्ड कर लूँगी। तो आप 2.5 मीटर ही कपड़ा लीजिए। कपड़े को जो है मैंने 4 फोल्ड किया है, ये देखिए 1 2 3 4। ये जो कपड़ा है मैंने साइड से मैं इसे निकाल लूँगी क्योंकि ये मेरे ऊपर की बेल्ट के काम आ जाएगा। तो ये देखिए एक साइड से मैंने बंद है किया हुआ है और दूसरी साइड से खुला है। तो चलिए अब मैं पहले बंद की साइड से कटिंग शुरू करूँगी। लहंगे की जो लेंथ है, टोटल लेंथ जो मैंने आपको बताई है वो 38 इंच है। तो 38 इंच जो हमारी लेंथ है उसमें हमारी 2 इंच की बेल्ट आएगी। तो मैं इसको क्या करूँगी, 38 इंच में मैंने 2 इंच कम कर लिए तो हमारा 36 आ गया। तो मैं यहाँ पे 36 पे निशान लगा लूँगी। 36 इंच पे निशान लगाने के बाद मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि आधा इंच मेरा ऊपर की सिलाई में जाएगा और आधा इंच मेरा फोल्डिंग में जाएगा। तो 37 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी, पूरा जो है मेरा 37 इंच पे आएगा। और यहाँ से मैं इसको सीधा कर लूँगी, ये देखिए। और यहाँ से कपड़ा निकाल साइडों से कपड़ा निकालने के बाद यहाँ से मैं बेल्ट के लिए भी पहले कपड़ा निकाल लेती हूँ। जो कटिंग है लहंगे की वो मैं फोल्डिंग वाले साइड से लूँगी। तो ये देखिए 3 इंच की मेरी कली है, तो मैं यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है और आधा इंच जो है मेरा सिलाइयों में जाएगा, आधा इंच यहाँ से और आधा इंच यहाँ से। तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा लूँगी। तो ये देखिए जब मैं इसको यूं करके खोलूँगी तो ये मेरा 3 इंच का हो जाएगा। और यहाँ से सिलाई लगाने के बाद यहाँ से मैं 4 इंच का ले रही हूँ, तो फिर सिलाई लगाने के बाद मेरा 3 इंच का रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है। ये देखिए 2 इंच पे निशान लगाने के बाद अब मैं नीचे की ओर जाऊँगी। नीचे जाने के बाद यहाँ पे मैं 6 इंच पे निशान लगाऊँगी। यहाँ से मैंने 6 इंच पे निशान लगा लिया है। अब 6 इंच पे निशान लगाया है, 6 इंच पे और 2 इंच वाले को मैं ज्वाइन करके निशान लगा लूँगी।
अब ये निशान लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं पहले मैंने उस साइड से 2 इंच लिया था, अब मैं यहाँ से 4 इंच लूँगी, क्योंकि वहाँ पे फोल्ड साइड था इसलिए मैंने 2 लिया था, अब यहाँ पे खुली साइड है रह जाएगी, तो मैं यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाऊँगी। ये देखिए, इस निशान को छोड़ के यहाँ से 4 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है, और इस साइड पे मैंने 12 इंच का निशान मैं लगाऊंगी। अब फिर से मैं यहाँ पे ही यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाऊंगी, और यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाने के बाद अब मैं इधर आऊंगी, अब मैं यहाँ से 12 इंच पे निशान लगा लूंगी। ये देखिए 12 इंच पूरा है, तो यहाँ से मैं इसको भी क्लिप करके निशान लगा लूंगी। अब मेरा सेंटर वाला रह गया था, तो मैं सेंटर वाले पे भी निशान लगा लूंगी। यहाँ से यहाँ पे रखने के बाद निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। अब इस साइड से भी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी लाइनिंग कटिंग कर लेते हैं। तो लाइनिंग के कपड़े के लिए ये देखिए, इसको भी मैंने डबल फोल्ड कर लिया हुआ है, 4 फोल्ड किए हैं। मैंने कपड़ा सीधा कर लिया है, तो अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए मैंने जो लहंगे का कपड़ा था मैंने इसके ऊपर रखा है यूं करके। तो अब जो ये देखिए, हम जो अंदर की लाइनिंग होती है वो लहंगे से थोड़ी कम रखेंगे, तो मैं इतनी लाइनिंग कम रखूंगी लहंगे से इतनी। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है, तो इतना हम इसको कम काटेंगे। तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद अब मैं इसे उठा लेती हूँ। अब एक सीधी यहाँ से लाइन लगा लेंगे, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे। ये मेरे नीचे फोल्डिंग में काम आएगा, क्योंकि मेरे लहंगे का जो कपड़ा फोल्डिंग के लिए है वो नहीं है, कम है, तो इसलिए मैं इसको सिलाई लगा के फोल्ड कर लूँगी। लाइनिंग का कपड़ा काटने के लिए मैंने क्या किया है, इसको 3 भागों में मैं डिवाइड करूँगी। इसकी मैं 3 कलियाँ डालूँगी, तो 3 कलियाँ डालने के लिए देखिए हमारी 15 इंच आगे की साइड जो है बेल्ट होगी, कमर हमारी 30 है, तो अगली साइड हमारी 15 होगी। तो 5-5 इंच की मैं कली दे दूँगी इसमें, तो आधा आधा इंच जो है हमारा सिलाई में जाएगा। तो 5 के बजाय यहाँ पे 6 इंच की यहाँ पे कली का निशान लगा लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैं 6 इंच का निशान लगा लूँगी, और मैं दूसरी साइड पे जाऊँगी, और पहले मैंने इस कोने पे 6 इंच का निशान लगाया था, अब मैं इस कोने पे 6 इंच का निशान लगा लूँगी। अब इस कोने वाले को और उस कोने वाले को हम ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, और अंदर की जो लाइनिंग है हमारी ये भी काफी, इसका घेर भी काफी खुला बन जाएगा। तो चलिए अब कटिंग कर लेते हैं इसकी। अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगे कि मैं आपको कुछ सिखा पा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अब साइडों से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
कटिंग हो गई है हमारी लहंगे की और इसकी अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए हम सबसे पहले लहंगे की कलियों को, ये मैंने सीधा भाग लिया है कली का और ये भी सीधा ही भाग लिया है, हम सीधे भाग के ऊपर सीधा भाग यूं रखेंगे। ये दोनों, ये ऊपर वाली भी उल्टी साइड हो गई और नीचे वाली भी उल्टी साइड हो गई। और अब हम इसके ऊपर यहाँ से सिलाई लगा लेंगे, सभी कलियों को यूं ही सिलाई लगा लेंगे। सभी कलियों को ये देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब सभी कलियों को ज्वाइन करने के बाद मैं एक साइड से मेरा जो खुला है मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 5 इंच का निशान लगाऊंगी। ऊपर से 5 इंच तक मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ से मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, इसके नीचे से मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी। इसको बैक स्टेप देके हम इसको पक्का कर लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब मैं जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है उसकी कलियों को भी ज्वाइन कर लूँगी। लाइनिंग को सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस लाइनिंग को, ये उल्टी साइड है, अब हमें इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लहंगा है ये हमारी लहंगे की उल्टी साइड है और ये हमारी जो लाइनिंग है वो सीधी साइड है। हम क्या करेंगे, सीधी साइड को ऊपर की साइड करेंगे और ये लहंगे की साइड को, उल्टी साइड को, इसके बीच में यूं करके डाल देंगे। यूं डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने लहंगे का 5 इंच छोड़ के सिलाई नीचे से की थी हमने ये भी वैसे ही की है। अब इस कपड़े को और इस कपड़े को हम यहाँ से सिलाई लगा कर इसे पूरा सिल लेंगे। ये जो साइड है यहाँ से भी हम सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए पहले नीचे से सिलाई लगाएंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और इसको यूं करके हम सिलाई लगा लेंगे। हमारी जो लाइनिंग है ऊपर से हमने थोड़ी खुली रखी है तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी थोड़ी चूनट यहाँ से डाल लेंगे और ये हमारा पूरा हो जाएगा। लहंगे और लाइनिंग के कपड़े को हमने ज्वाइन कर लिया है, अब हम लहंगे को सीधा करके इसमें हम जिप को अटैच करेंगे। जिप को अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा सीधी तरफ है लहंगे की और ये जिप जो है हम इसको इस साइड पे यूं करके उल्टा रखेंगे और फिर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए जिप की जो है ये सीधी साइड है, ये अंदर की साइड आएगी लहंगे की सीधी साइड में और ये उल्टी साइड आएगी और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। एक साइड पे सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस जिप को अंदर की साइड को करेंगे यूं करके। ये देखिए यहाँ से अंदर की साइड को हमने किया है और यहाँ से हमने इसको लेते हुए यूं करके हम
इसके यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारी जिप लग चुकी है। यूं करके हम इसे बंद करेंगे और अब हम इसके बाद क्या करेंगे, बेल्ट को ज्वाइन करेंगे। बेल्ट के लिए ये मैंने कपड़ा काटा है, सेंटर में सिलाई लगा के फिर मैं इसको उल्टा करके यूं और फिर यहाँ पे यूं करके बेल्ट को लगाऊंगी, क्योंकि ये जो कपड़ा है अगर हम अंदर की साइड आएगा तो हमें ये चुभेगा, इसलिए अंदर की साइड मैं ये कपड़ा लगा रही हूँ। तो चलिए पहले यहाँ इसको यूं रख के हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको यूं करके कपड़े को करेंगे। यूं कपड़े को करने के बाद हम साइडों पे सिलाई लगा लेंगे। बेल्ट की साइडों पे सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, लहंगे की ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड लेंगे और ये जो सीधी साइड है इसकी बेल्ट की, इसको हम अंदर की साइड लेंगे। उल्टी साइड पर सीधी साइड रख के यूं करके हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, ये सिलाई मैंने लगाई, अब मैं इसको यूं करके उल्टा करूँगी। ये देखिए यूं करके मैं इस साइड से लेती हूँ, यूं करके मैं इसको उल्टा करके, ये देखिए यहाँ पे भी मैं इस तरह से यूं फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो चलिए सिलाई लगाते हैं। इसको हम साइड से अच्छे से पक्का कर लेंगे। बेल्ट हमारी लग गई है, ये देखिए यूं करके इसमें हम डोरी डालेंगे और नीचे वाली ये जो साइड है हम क्या करेंगे, मेरे पास जो था कपड़ा कम था लेकिन आप 4-5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख के इसको फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कपड़ा कम था तो मैं लाइनिंग का ही कपड़ा इसके साथ सिल के इसको यूं करके अंदर की साइड मोड़ के सिलाई करूंगी। फोल्ड करने के बाद मैं इसकी एक वीडियो डाल दूंगी, तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।